उज्जैन में पिछले 3 दिनों से बढ़ रहे कोरोना मरीज को ध्यान में रखते हुए एसपी व कलेक्टर के निर्देश पर पुलिस प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दी है। मंगलवार को थाना देवास गेट व थाना माधव नगर क्षेत्र में एसडीएम संजीव साहू व सीएसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने घूम घूम कर लोगों को हिदायत दी, साथ ही कई लोगों के चालान भी बनाए। यहाँ विशेष तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क पर ध्यान दिया जा रहा है कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले लोगों से दोपहर तक करीब 16,000 रुपए की चालानी वसूली की गई है। इस कार्यवाही के दौरान थाना माधव नगर प्रभारी प्रेम नारायण शर्मा, थाना देवास के प्रभारी पृथ्वी सिंह खलाटे, आरक्षक धर्मेंद्र गिरी सहित दोनों थाना क्षेत्र का बल मौजूद रहा। जिम साहब द्वारा चेकिंग की गई, जिसमें जो भी बिना मास्क के जो लोग घूम रहे हैं उनको हिदायत दी गई कि मास्क पहने, और जो जो व्यापारी हैं व्यापारी लोग हैं उन्हें भी समझाइश दी गई कि वो भी अपने ग्राहकों को समझाएं कि वो मास्क का यूज़ करें और स्वयं भी मास्क का यूज़ करें। आज देवास गेट और माधवनगर थाना क्षेत्र में चालानी कार्रवाई की गई, जिसके अंतर्गत 15-16 हज़ार चालानी कार्रवाई अभी तक की गई। शहर में लगभग थाना क्षेत्र सीएसपी क्षेत्रवार 5 टीमें गठित की गई हैं, जो ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने और मास्क ना लगाने पर चालानी कार्रवाई भी हो रही है, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। उसी के तहत हम लोग पहले देवास गेट क्षेत्र में कार्रवाई की थी, अब यहाँ माधवनगर थाना क्षेत्र में कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने लगभग 15-16 हज़ार रुपये के चालान जो है काटे हैं, और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के जैसे निर्देश हैं, उनके तहत ये कार्रवाई रोज की जाएगी। नहीं, बिल्कुल इस कार्रवाई का असर है। हम अगर आप खुद ही देखेंगे कि 2-3 दिन पहले जो लगभग 50% लोग बिना मास्क के निकलते थे, आज हम देखेंगे कि 90 से 95% लोग जो है मास्क लगा के चल रहे हैं, और जो मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं उन्हीं पर हम ये चालानी कार्रवाई कर रहे हैं।